हेलो फ्रेंड्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर टू पॉइंट वन कमीलियंस ओके कमीलियंस सो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन इन यूनिट टू यूनिट टू का पहला लेसन है ओके सो एक्चुअली दिस लेसन इज अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल्स दैट इज़ कमीलियन ओके सो और इट इज़ कॉल्ड एज द गार्डन लिजर्ड ऑल्सो तो इसे हम गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं और कमीडियन भी बोलते हैं ये देखो ये इसका पिक्चर है मैं आपको और भी इसके पिक्चर्स दिखाती हूँ ओके जस्ट मिनट लुक एट एठिया ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमें कलरफुल में ओके ओके सो स्टूडेंट्स आई विल स्टार्ट द रीडिंग द पोय एंड यू हैव टू रिपीट द लाइन्स आफ्टर मी ओके सो आई विल मार्क द लाइन दैट आई एम रीडिंग जो भी मैं पढ़ूँगी उसे मैं मार्क करते जाऊँगी ताकि आप उसे अच्छे से रीड कर सको उसे समझ सको कि क्या लिखा है सो so, कमिलियंस इसे क्या बोलते हैं कमिलियंस सो बहुत लोग इसे ना चमिलियंस भी बोलते हैं चैमिलियंस भी बोलते हैं ओके बट कमिलियन इज़ द राइट प्रोनासीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इसे हम क्या बोलेंगे कमीलियंस ओके कमीलियंस नॉट चामीलियंस और चमीलियंस ओके सो इसे हम क्या बोलेंगे कमीलियंस ना अभी हम स्टार्ट करते हैं लिसन एंड रिपीट आपको सुनना है प्रॉपरली जैसे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ वैसे ही आपको अच्छे से सुनना है और फिर आपको भी रीड करना है कमीलियंस आर सेल्डम सीन they're red they're orange then they're green they're one of nature's strangest sights their color change like traffic lights okay once again i read it chameleons are seldom seen they're red they're orange then they're green दे आर वन ऑफ नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट साइट्स दे आर कलर्स चेंज लाइक ट्रैफिक लाइट्स ओके अब एक, एक करके मैं आपको सारे वर्ड्स का और जो भी लाइन्स यहाँ पर दिए गए हैं उसका मीनिंग बताती हूँ ओके कमीलियंस इसको हिंदी में बोलते हैं गिरगिट अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो ओ okay? को तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गिरगिट हिंदी में और ये छिपकली के जैसा दिखता है एक लिजर्ट होता है ना जो घर में छिपकली आती है कुछ कुछ उसके जैसा दिखता है जो मैंने आपको दिखाया पिक्चर अभी पिक्चर में दिखाया था ओके सो दिस एनिमल्स इट्स लुक लाइक लिटिल बिट लाइक अ लिजर्ड बट यू कैन फाइंड इट अराउंड द गार्डन्स आपको छिपकली तो घर में मिल जाती है बट ये जो होता है ना ये आप देखोगे जहाँ पे पेड़ वेड़ रहते हैं ज़्यादा ना वहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये ओके okay. सो so, कमिलियंस आर सेल्डम सीन सेल्डम का मतलब यहाँ पे क्या है सेल्डम का मतलब है सेल्डम मीन्स सेल्डम लाइक वेरी लेस नॉट ऑलवेज समटाइम्स कभी कभी ही देखते हैं हम Chameleons आर सेल्डम सीन जो chameleons होते हैं वो कभी कभी दिखते हैं हमें हम उन्हें कभी कभी देखते हैं ओके दे आर रेड दे आर ऑरेंज देन दे आर ग्रीन मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था तो ये क्या करते हैं ना अपने कलर को चेंज करते हैं ओके okay? मीन्स दे आर कीप ऑन चेंजिंग दे आर कलर्स सो एक्चुअली देर आर समथिंग लिटिल बिट अबाउट साइंस ऑल्सो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है अडेप्टेसन का इससे आप आगे चल के पढ़ोगे अपने आगे के फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसे कि अडप्टेसन क्या होता है किस तरीके से एनिमल्स अडोप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को सो एक्चुअली नेचर हैज़ मेड दीज एनिमल्स लाइक दिस नेचर ने ही ऐसा बनाया कि वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं आप मुझे बताओ इतने सारे एनिमल्स हैं जैसे डॉग है कैट है वो अपने कलर चेंज कर पाते हैं क्या नो no. ये उनके अंदर क्वालिटी नहीं है वो नहीं चेंज कर पाते बट ये जो कमीलियन है ये चेंज कर पाता है ओके सो दैट दे कैन हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज ताकि वो अपने दुश्मनों से जो उनको खाने वाले रहते हैं ना उससे But sake means when these animals will sit on a green branch, and the leaves also green, he will change. हिज कलर टू ग्रीन अगर वो किसी ब्रांच पर बैठा ग्रीन ग्रीन है तो ना अपने कलर को चेंज ग्रीन अगर वो थोड़ा थोड़ा कैसा लगेगा मान लीजिए कि ब्राउन कलर में है मिट्टी के पास बैठेगा तो मिट्टी ब्राउन अगर ब्राउनिश है तो वो ब्राउन कलर में थोड़ा अपना कलर कर लेगा लेकिन जैसे वो ग्रीन ले ब्रांच पर बैठा और ग्रीन लिवस है उसकी तो वो क्या कोशिश करेगा कि मैं इसी पत्तों में ही अपना कलर ऐसा बना लूँ छुप जाऊँ इस कलर से मतलब अगर वो खुद भी ग्रीन हो जाएगा तो उसमें जो उसकी लाइक जो उसे खाने वाले रहेंगे तो वो बच जाएगा ना उनसे ओके okay, अगर कोई एनिमल है जो उसे खा सकता है पकड़ के तो वो उससे बच जाएगा उसकी नजरों से क्यों ग्रीन ग्रीन पत्तों में छुप जाएगा ओके मीन्स ही विल चेंज हिज कलर इन टू ग्रीन सो दैट द एनिमल्स वीच वॉन्ट टू ईट हिम विल नॉट टू सी हिम तो उसे देख भी नहीं पाएगा तो खा भी नहीं पाएगा तो जहाँ पे वो जिस जगह पे जाते हैं मान लो कि जैसे ये ईंट है तो ईंट के पास जाएगा ना या ईंट पे बैठेगा ना तो थोड़ी थोड़ी वो अपने कलर को कैसे आप देखोगे ना तो वो ब्रिक ईंट की मतलब ईंट का मतलब मैंने क्या बोला ब्रिक्स जो होते हैं वो उसके जैसा कलर कर लेगा ये ऐसा मैंने भी नोटिस किया हुआ है ठीक है कमिलियन ये जो है ये मैंने नोटिस किया हुआ है कि जब वो आ, ऐसे त्र, एक ट्री का स्टेम था कुछ आ, आ, लाइट ग्रीन में था तो जब वो उस पर गया ना तो वो लाइट ग्रीन इसके कलर के जैसा हो गया था ऐसा ऐसा हो गया था जैसे ऊपर में लाइट ग्रीन यहाँ पे है ऐसा हो गया था फिर जब वो मिट्टी के पास में आया तो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया था ये मैंने भी ऐसा नोटिस किया हुआ है ओके सो दे आर रेड दे आर ऑरेंज एंड दे आर ग्रीन सो ऐसे इस तरीके से हमें अलग अलग कलर में दिखते हैं कभी वो रेड में दिखते हैं दे किस बात कर रहे हैं दे मींस वे वो कमिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं हम ओके सो वो रेड में दिखते हैं कभी वो ऑरेंज में भी हो जाते हैं अपने कलर को चेंज करके वो ग्रीन में भी हो जाते हैं ओके देन दे आर ग्रीन दे आर वन ऑफ नेचर स्ट्रेंजेस्ट साइट्स साइट्स यानी क्या होता है दृश्य यानी कि जो हम देखते हैं जो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं And what do डू मीन बाई स्ट्रेंजेस्ट स्ट्रेंजेस्ट एक्चुअली स्ट्रेंजेस्ट स्ट्रेंजेस्ट इट्स टेकन from वर्ड स्ट्रेंज ओके मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसे हम समझने में बहुत मै मतलब कि हमें uh, जिसे समझने में हमें बहुत uh, ऐसा नहीं समझ पाते हम जिसे मीन्स कि लाइक नेचर हैज़ मेड देम टू स्ट्रेंज मीन्स दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दे कैन चेंज देअर कलर ओके मतलब हम ये नहीं समझ पाते हैं स्ट्रेंज है बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा है स्ट्रेंजेस्ट अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मतलब अजीब सी है अजीब सा दृश्य है ये नेचर का ये जो है दे आर वन ऑफ नेचर्स ये नेचर के एक ऐसे प्राणी है ऐसे एनिमल्स हैं मतलब कि एकदम स्ट्रेंजेस्ट साइट्स हैं तो ये हमें तुरंत ही तुरंत कोई एनिमल्स है वो अपना कलर चेंज कर ले रहा है तो ये स्ट्रेंजेस्ट नहीं है अजीब नहीं है ये तो ये जो होते हैं ना कमीलियंस ये नेचर के स्ट्रेंजेस्ट साइट होते हैं मतलब कि जिसे हम समझ नहीं सकते कुछ ऐसे होते हैं दे आर कलर्स चेंज लाइक ट्रैफिक लाइट्स ओके तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स कभी हरा हो जाता है कभी ब्लू आ, कभी ग्रीन हो जाता है कभी येलो हो जाता है कैसे चेंज होते रहता है ना तो बिल्कुल उनका यानी कि कमीलियंस का देयर मीन्स उनका जो कलर है चेंज होता है जैसे ट्रैफिक लाइट्स जैसे ट्रैफिक की लाइट चेंज होती है ना वैसे ही तो इसे लिखा किसने है कोलिन वेस्ट ने लिखा है ठीक है तो इसे लिखा है कोलिन वेस्ट ने तो ये इसके पोएट हैं ओके और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप देखो रिपीट किया गया है बार बार टी एच वाई अपोस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी मार्क ओके दिस इज अपट्रॉफी मार्क ये जो ऊपर में ऐसे रहता है इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी मार्क और उसके बाद आर ई लिखा है सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दे आर दे आर यहाँ पे भी दे आर दे आर सो ये क्यों है बार बार एक्चुअली दे आर इज़ टू वर्ड ज्वाइन टुगेदर ओके मीन्स दैट इज जैसे यहाँ पे टी एच ई वाई है टी एच टी एच ई वाई ये हो गया और ये जो आर ई है ना यहाँ पे एपस्ट्रॉफी मार्क लगा दिया यहाँ पे एपस्ट्रॉफी मार्क लगा के आ रही तो ये क्या है टी एच ई वाई प्लस ए आर ई यहाँ पे भी वैसे ही है यहाँ पे भी ऐसे ही है यहाँ पे भी ऐसे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस लगाया है और एस इस, इसका मतलब है नेचर्स नेचर्स इसको मतलब यानी कि एस लगाया तो हम ऐसे बोलते हैं नेचर का ठीक है और जिस तरीके से यहाँ पे दे आर ऐसे के ऐसे एपोस्ट्रॉफी वाला आया ना मार करके फिर आ रही आ रही तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे हम बहुत बार देखते हैं ही और इस तरीके से एस तो ये क्या हो जाता है ही प्लस आई हीज़ शीज़ भी ऐसे ही होता है ओके तो इस तरीके से होते हैं सो so, अभी मैं यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कलर द पिक्चर आप तो ये बहुत अच्छा कलर कर सकते हो ये तो ग्रीन कलर आएगा तो ग्रीन पे बैठा ये तो आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हो इसे अच्छे से कलर कर सकते हो सो so, कलर कर लेना इसे आपका होमवर्क है से द राइमिंग वर्ड्स ये देखो सीन ग्रीन दैट इज़ राइमिंग वर्ड्स साइट्स लाइट्स मीन्स साउंड इज सेम ओके पंसेशन देखो सेम है ना सीन ग्रीन साइट्स लाइट्स सेम है ओके okay, और इसे आपको पढ़ना कमीलियन सेलडम स्ट्रेंजेस साइड्स यू हैव टू लर्न टफ वर्ड्स ओके जितने भी टफ़ वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको लर्न करना मैं आपको पिक्चर एक बार वापस से दिखा देती हूँ सो so, यहाँ पे देखिए जैसे ट्रैफिक लाइट्स किस तरीके से चेंज होता रहता है वैसे ना ये भी चेंज करता रहता है जब ग्रीन पे जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा ब्लैक पे जाएगा तो हल्का अपने आप को ब्लैक कर लेगा रेड पे जाएगा तो रेड कर देगा देखो ट्रैफिक लाइट्स ये होते हैं ना और देखो इस तरीके से भी होते हैं कलरफुल होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर देखो किस तरीके से अलग अलग कलर में दिख रहे हैं ओके सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो वैसे ही आपको बेल आइकॉन का ऐसे बेल का आपको दिखेगा तो आप बेल भी बेल पे भी क्लिक कर देना तो इससे क्या होगा जब भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपके सब्जेक्ट का ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आ जाएगा तो आप उसे इजीली देख पाओगे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये एक्टिविटी जो दी गई है आप जरूर कर लेना और ये याद कर लेना जैसे कि यहाँ पे सीन ग्रीन ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं क्या है ये राइमिंग वर्ड्स सेम साउंड होता है उनका सीन ग्रीन साइड स्लाइड्स तो ये आपको पूरे याद करना है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एक्टिविटी टाइम ओके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना